हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका बड़ा जल्दी स्वागत है। आज हम बात करने वाले जयप्रकाश पावर्स वेंचर्स के बारे में। दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि हाँ, 5 रुपये के आसपास से एक 4.98 पे आपका इसका सपोर्ट है। कल ही मैंने वीडियो बना के बताया था और वहीं पे सपोर्ट लेके फिर से एक बाउंस देखने को मिला, और ये बाउंस कहाँ तक जाएगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि 6 रुपये का इनिशियल टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, और जो लोग अभी भी बाई नहीं किए हो तो बाई कर सकते हो, क्योंकि इससे नीचे मेरे ख्याल से तो जाने का नहीं है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से स्टॉक यहाँ से बाउंस दिखाएगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बना के देगा। तो यहाँ से आप बाई करके 6 रुपये का इनिशियल टारगेट, फिर 6.50 का टारगेट आपको अप्रैल लास्ट तक 7 रुपये का भी टारगेट आपको नज़र आ सकता है। तो यहाँ से आप बाई करके 6 रुपये का इनिशियल टारगेट बहुत कम दिनों के अंदर अचीव होने वाला है, फिर 7 रुपये का टारगेट अप्रैल लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। तो यही आपको एग्रेसिवली आपको सपोर्ट के साथ टारगेट बताया जा रहा है। तो वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना आपकी चैनल मनी मेकर को। चलिए बारीकी से देख लेते हैं। कल का मेरा वीडियो जाके देख लेना दोस्तों, मैंने बता दिया था कि 5 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट है और वहीं से सपोर्ट लेके आज आपको 1.92% का अप मूव दिखा चुका है। 52 लो जो है पास्ट वीक में बना है, और देखा जाए तो टेक्निकली 10 पॉजिटिव है और 13 नेगेटिव है, और यहाँ से एक डाउनफॉल के बाद एक अप ट्रेंड पकड़ा है। आज का सपोर्ट अगर काम कर जाता है तो यहाँ से एक बहुत तेज़ी बन सकता है स्टॉक में। बाकी दिसंबर क्वार्टर में देखा जाए तो 1200 करोड़ के आसपास आपका रेवेन्यू कलेक्शन है। सितंबर क्वार्टर में आपका 300 करोड़ ज़्यादा हुआ था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी उसी हिसाब से ही बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है। एनुअल रेवेन्यू 41.7% के हिसाब से हुआ है, क्वार्टरली रेवेन्यू 14% गिर चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में 36 है, और जो आपका सेक्टर पी के कंपेयर में लोअर है तो अच्छा माना जाता है। डेप टू इक्विटी रेशियो भी लेस देन 1 है तो हेल्दी माना जाता है, और प्रोमोटर प्लेजिंग आपका 15.4% रखा हुआ है, जो प्लेजिंग था होल्डिंग का 79.2 वही है। तो आप देख सकते हो कि अभी RSI MFI का हाल बहुत ही ख़राब है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा बाइंग जोन बन रहा है। RSI 17.1 है और MFI 9.7, तो बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड और अंडर वैल्यू में मिल रहा है स्टॉक, और रीस्ट्रक्चरिंग है स्टॉक का। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो मेरे ख्याल से, लेकिन आप फिर भी अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लेना इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिम बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से 6 रुपये का इनिशियल टारगेट बहुत कम दिनों में आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। और ICICI देख सकते हो कि 10% का होल्डिंग रख दिया ICICI बैंक, और FII अपना होल्डिंग इंक्रीज़ किया दिसंबर क्वार्टर में, और भांगड इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड जो 17 मार्च को स्टॉक ने परचेस किया 6 रुपये के आसपास, तो उनको भी अभी थोड़ा बहुत ही आपका लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट आ सकता है। मतलब 6 रुपये का इनिशियल टारगेट तो जाएगा, देख सकते हो कि इंटरनेशनल स्टॉक एक इंडेक्स फंड बाई करके बैठा हुआ है, तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आपका बल्क में परचेसिंग हो रहा है। तो अगर वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना आपके चैनल मनी मेकर को। 6 रुपये का टारगेट रहेगा अप्रैल लास्ट तक, और 7 रुपये का टारगेट भी अप्रैल लास्ट तक रहेगा। 6 रुपये का टारगेट बहुत जल्द